फैमिली नंबर वन बनते हैं दगली फैमिली। अब मैं आप सबको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। परिवार को स्कूटर की चाबी देने की। इतनी बड़ी चाबी, ये स्कूटर की चाबी है या हवाई जहाज की? वाओ। ये आपके लिए। बच्चों, आखिरकार तुमने अपनी मेहनत और लगन से मेरा सपना पूरा कर ही दिया। मुझे माफ करना बच्चों, मैं ये चाबी नहीं लूंगा। तो फिर स्कूटर स्टार्ट कैसे करेगा? बुजी, मैं स्कूटर और चाबी दोनों नहीं लूंगा। महेश, ये अचानक आपको क्या हो गया है? बुखार। हाँ? बुखार बुखार तो नहीं चढ़ गया ना तुझे? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, हमने इतनी मुश्किल से आपके लिए स्कूटर जीता और। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम लोगों ने ये सब मेरे सुख और आराम के लिए किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि स्कूटर पर आने जाने से मुझे सुख और आराम मिलेगा भी। लेकिन सोचो बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे देश का एक राज्य उत्तराखंड में कई लोगों का सुख चैन छीन गया। घर उजड़ गए, परिवार बिछड़ गए, इस दुख की बाढ़ में उनका सब कुछ छीन गया। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें त्योहार मनाने चाहिए, भगवान को हमारे घर लाना भी चाहिए। लेकिन भगवान हम पर तभी खुश होंगे जब हम हमारे इन देशवासियों की सच्चे मन से सेवा करेंगे, उनको फिर से खड़ा होने में सच्चे मन से उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इसलिए मैं इन मंडल वालों से एक अनुरोध करता हूं कि यह स्कूटर मुझे न देकर इस स्कूटर के जितने पैसे आते हैं उतने पैसे हमारे डगली परिवार की ओर से उत्तराखंड रिलीफ फंड में दान दे दे। वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें अपने साथ साथ उनके भी सपनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम किसी के काम आएंगे। वी आर प्राउड ऑफ यू पापा। महेश, आज मेरी नजरों में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। तो पापा, आपके जैसा सब सोचने लग जाए तो ये दुनिया और भी अच्छी और प्यारी हो जाएगी। चलो बोलो मेरे साथ, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अरे माँ स्मिता, जल्दी चलो, आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। गणपति जी के लिए मोदक बना रही थी। सिर्फ गणपति जी के लिए? हाँ, पति परमेश्वर के लिए भी थोड़ी मोदक बना लेते।
आप घर से बाहर जा रहे हो? पापा, अब कुछ ही देर में गणपति जी हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब गणपति बापा हमारे घर में आए और उनके विसर्जन का समय भी हो गया। बच्चों, गणपति बापा हमारे घर से जा रहे हैं, हमारे दिल से नहीं। हाँ, कितना अच्छा लगा गणेश जी के साक्षात दर्शन करके। मतलब सब रिश्तेदार आए और पड़ोसी आए, उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए और गणेश जी ने मोदक भी खाए। हाँ, हमने भी मोदक खाए और गणेश जी की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिली। हाँ बेटा, इसीलिए जब गणेश जी का विसर्जन होता है ना, तब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लव करिया, इसका अर्थ है अगले साल जल्दी आना। और ये हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव है कि गणपति अभी गए भी नहीं और अभी सही अगले साल आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ गणपति जी, हमें उम्मीद है कि जिस आदर और प्यार से हम आपको हमारे घर में लाए थे, उतने ही अच्छे से हमने आपका ख्याल रखा होगा। आप हमारे सेवा से बहुत खुश हुए होंगे और अगर हमारी सेवा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। माँ, हम आरती शुरू करें? हाँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, कर रहा हूं कोशिश आपको और खुद को बचाने की। ये बचाएगा हमें? हाँ, क्योंकि आ सकता है बालवीर कभी भी यहाँ हमें सजा देने। तो पढ़ के ये मेरा लिखा हुआ संदेश वो चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है तुमने इसमें? सुनाता मैं आपको। प्रिय बालवीर, मानकर बात अपने समझदार और शूरवीर प्रधान तोबा तोबा की। मैं भयंकर परी तुमसे डरकर और हार कर जा रही हूं छोड़ के ये भयानक लोग, ताकि कहीं छुप सकूं। कृपा करके मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे प्यारे वफादार शानदार और शानदार प्रधान को मत देना। तुम्हारी बिचारी भयंकर परी। है कैसा लगा आपको ये संदेशा? है ना अच्छा? परी भयंकर,
बेवकूफ, तौबा तौबा। उस बालवीर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन आज मुझसे नहीं बचोगे। तौबा तौबा। रहम रहम पति भयंकर, कीजिए दया मुझ पर। सर माता, ये तो मैं हमारे भले के नहीं, वरना हूँ चाहता मैं भी देखना बालवीर को हारते हुए, उसको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। पर अफसोस, हमेशा देखता हूँ मैं आपको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। सिर्फ एक कदम दूर थी मैं अपनी जीत से। हमेशा हमेशा के लिए अंत होने ही वाला था उस बालवीर और परीलोक का, कि तभी वो रानी परी आ गई। अब भूल गई आप परी भयंकर, आ गए थे गणेश जी उनकी मदद के लिए। काश आ जाते गणेश जी भी मेरी मदद के लिए और दे देते इन्हें थोड़ी अकल। सुना आपने, अकल? नहीं नहीं, कहा मैंने शकल। शकल तो मैं तुम्हारी बिगाड़ूंगी अगर अपनी बकवास बंद नहीं की तो। हर बार वो रानी परी नहीं आने वाली उसे बचाने के लिए, इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगी जिसका कोई तोड़ उस रानी परी के पास नहीं होगा। काश आप करती ही उतना अच्छा है, सोचती आप जितना अच्छा। परी भयंकर, वाह, आएगा बहुत मजा है। क्या सोचा आगे आपने? इंतजार, तौबा तौबा, सही वक्त का इंतजार। इस बार सही समय पर सही वार करेंगे उस बालवीर पर, और इस बार हमारे इंतजार का फल जितना मीठा हमारे लिए होगा, उतना ही कड़वा हमारे दुश्मनों के लिए। मुबारक हो नाराज तराज परी, वो शुभ पल आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत समय से कर रही थी, और आज इस शुभ पल में हम आप दोनों की शक्तियां आपको फिर से लौटाएंगे। आप दोनों अपने जादुई दंड हवा में छोड़िए। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको आपकी जादुई शक्तियां दोबारा मिल गई, लेकिन हम आपको एक सलाह भी देना चाहते हैं। इन जादुई शक्तियों के साथ साथ हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती, कि हम इन शक्तियों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं रानी परी, कि हम आपके सलाह अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, और हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आपसे ऐसी ही आशा है नाराज परी,
आपकी शक्तियां किसी भी परी या इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं, और गुस्से में हम अच्छाई और बुराई का अंतर भूल जाते हैं, और गुस्से में किए हुए किसी भी कार्य का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। तारास परी, इस गुस्से की वजह से आपकी शक्तियां और भी खतरनाक हो जाती हैं। इसीलिए आप दोनों जब भी, जिस पर भी, जहां पर भी अपनी शक्तियों का उपयोग करें, बहुत सावधानी से करें। हाँ रानी परी, हम दोनों आपकी बातों को हमेशा याद रखें। सोचिएगा कुछ अच्छा इस बार, ना कि आपके वो हिम चक्र की तरह कोई ठंडा आक्रमण। थक नहीं जाती आप ऐसे हार हार के? हाँ, ये लगता है परी भयंकर आज बहुत गुस्से में। छेड़ा कर आज इसे तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तरास, सबसे पहले इस तौबा तौबा को मजा चखाते हैं। हाँ नाराज। कुछ बोलेगी भी या फिर ऐसा ही चुपचाप खड़ी रहोगी जमीन पे आंखें गाड़े हुए? है क्या खोदना आपको गड्ढा जमीन में और डालना है उसमें खुद को और बाद में मुझको? देख क्या रही हो ऐसे मुझे? आंखें नीचे। अरे अब तो आनी चाहिए आपको शर्म भयानक रोग के प्रधान से ऐसे आंखें मिलाते हुए। अरे है पहने आपने इतने हार के हार के, दिखती नहीं आपकी शकल और चलती नहीं आपकी अकाल। तवा तवा वरना वरना, अरे ना 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 वरना, बल्कि है मुश्किल आज आपका मुझसे बचना। सुनी बहुत आपकी पटर 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 पटर, कहे मैंने बहुत थप्पड़, लेकिन मारूंगा आज मैं आपको थप्पड़ और सुनेगी आप। क्या कहा? नहीं आ रहा है, मुझे समझ के आ रहा है, मुझे इतना क्यों गुस्सा? अब नहीं हुआ शांत मैं तो कर देगी बड़ी भयंकर मुझे शांत। अरे करेगी क्या आप मुझे शांत? क्या है आपका उस परीलोक के बालवीर ने शांत? आज नहीं रहूंगा मैं चुप, दिखाऊंगा आपको आईना। अरे शांत, तोबा तोबा शांत, पर करो क्या, नहीं हो पा रहा हूं मैं शांत। आज गया मैं। क्यों श्री श्री तौबा तौबा जी, मजा आया कि अभी और मार खानी है? ये तुम्हारा किया था? पर कैसे? भयंकर परी, हमें हमारी शक्तियां वापस मिल गई। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए, और ये हमारा वादा है रानी परी से कि उनसे किया हुआ कोई भी वादा हम नहीं निभाएंगे। शाबाश नाराज तरास। अब बनोगी तुम दोनों मेरी प्रधान।
और हम मिलकर परीलोक को तबाह करेंगे, उनका विनाश करेंगे।